ओके सो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं स्टार्ट प्रो का प्रोजेक्ट, स्टार्ट प्रो प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे जो वर्क रहेगा बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेगा। अब जब भी हम काम करेंगे तो पहले ऑटो कैड में हमारा प्लान वगैरह बनेगा, ऑटो कैड प्लान। प्लान के बाद फिर आपके कॉलम एंड बीम मार्किंग्स होंगी। ये साइज हम मिनिमम लेके चलेंगे, यानी 9 इंचेस बाय 9 इंचेस। देन इसके बाद कंप्लीट आप जैसे मॉडल को इंपोर्ट करना चाहो ग्रिड मेथड के थ्रू या फिर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, या फिर अगर हम बात करें सिंपल सेंटर लाइन के थ्रू, ये तीनों मेथड आप यूज कर सकते हो। सो आगे चल के अभी तो पहले हम ऑटोकैड प्लानिंग का काम कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद कॉलम एंड बीम मार्किंग का पूरा वर्क करेंगे। देन वन बाय वन मैं यहाँ पे तीनों मेथड्स आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रिड के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स पे कैसे कर सकते हो और सेंटर लाइन पे कैसे कर सकते हो। सो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे भी फिर नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, कंप्लीट मॉडल क्रिएट करना होगा, या एक तरह से मैं कह दूँ यहाँ पे स्टार्ट प्रो में आपको लाइन डायग्राम क्रिएट करना होगा। ठीक है, सो यहाँ तक का जो काम है ये आपका ऑटोकैड का काम है, ऑटोकैड प्लानिंग कॉलम एंड बीम मार्किंग। बाकी इसके बाद का जो भी वर्क है वो हमारा क्या रहेगा, स्टैट प्रो का काम रहेगा कंप्लीट। ओके सो ग्रिड कोऑर्डिनेट सेंटर लाइन मॉडल डायग्राम वगैरह ये सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी इसके बाद जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कंप्लीट वर्क फ्लो बताया है स्टैट प्रो का वो रहेगा। तो सिंपल आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी होगी, प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट आपको सपोर्ट्स देने होंगे, आफ्टर सपोर्ट हमें यहाँ पे लोड्स डिफाइन करने होंगे, लोड्स के बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, कॉम्बिनेशन के बाद फिर एनालिसिस एंड डिजाइन। अब आगे का जो काम रहेगा वो फिर हम आरसीडीसी से करेंगे, आरसीडीसी कॉलम एंड बीम डिजाइन, और उसके बाद फिर आपका स्लैब एंड फुटिंग डिजाइन का सारा काम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने स्टार्टिंग में भी जब स्टार्ट प्रो का इंट्रोडक्शन कराया था तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को ये चीज एक्सप्लेन किया था। ठीक है, सो ये चीजें तो अभी आगे नेक्स्ट सेशंस में हम कवर अप करेंगे, लेकिन आज के सेशन में यहाँ पे जो ऑटोकैड का प्लान है और कॉलम और बीम के जो मार्किंग है ये यहाँ पे हम पहले फाइनलाइज करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद ऑटोकैड प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सो सिंपल हम यहाँ पे ओपन करेंगे ऑटोकैड। ऑटोकैड ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिलता है टेम्पलेट्स का। स्टार्टिंग में हम जो टेम्पलेट यूज करेंगे ए कैड आई एस ओ डॉट डी डब्ल्यू टेम्पलेट यूज करना है। टेम्पलेट आप यही सेम टेम्पलेट यूज करना जिससे कि जो वैल्यूज मैं यूज कर रहा हूँ वही वैल्यूज पे आपका भी काम हो जाए, नहीं तो आप ए कैड यूज करोगे तो वैल्यूज आपको चेंज करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप किसी फॉर्म में काम कर रहे हो तो आपका अगर खुद का टेम्पलेट है तो आप खुद के टेम्पलेट पे भी वर्क कर सकते हो अगर आपने खुद से टेम्पलेट बनाया होगा। अगर आपको टेम्पलेट के बारे में आइडिया नहीं है अभी तो सिंपल आप ए कैड आई एस ओ डी डब्ल्यू डी पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। नाउ ग्रिड को यहाँ पे सबसे पहले ऑफ करते हैं, तो F7 से ग्रिड ऑफ। एंड काफी लोग का कंफ्यूजन रहता है कि सर आपका बैकग्राउंड व्हाइट आ रहा है, हमारा बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है। तो सिंपल गो टू एप्लीकेशन मेनू बार, ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले पे आते हैं, डिस्प्ले पे आने के बाद यहाँ पे कलर्स पे आएंगे। कलर्स पे आने के बाद यूनिफॉर्म बैकग्राउंड जो आपको चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। मैजेंटा कर दूंगा तो यहाँ पे मेरा मैजेंटा कलर आ जाएगा, मुझे व्हाइट चाहिए व्हाइट मैं सेट करके रखता हूँ। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग हमारा यहाँ पे काम होगा यूनिट सेट करना। तो यूनिट सेट करने के लिए सिंपली हम टाइप करेंगे यूएन एंटर। तो जैसे आप यहाँ पे यूएन एंटर टाइप करोगे, टाइप में हमें करना है इंजीनियरिंग प्रिसीजन, हमें देना है 0 फिट 0.000 इंचेस और इंसर्शन स्केल इंचेस हो जाएगा। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आगे चल के जब आप स्टार्ट प्रो पे काम कर रहे होगे, यहाँ पे जो यूनिट्स हैं ये फिट इंचेस में रहेंगी और जब स्टार्ट प्रो पे काम कर रहे हो तो वहां पे यूनिट्स आपकी मीटर्स में रहेंगे। तो ऑटोकैड से स्टार्ट प्रो पे ले जाना, स्टार्ट प्रो से फिर ऑटोकैड पे ले जाना, उस टाइम पे फिर हमें स्केलिंग वगैरह का काफी ज्यादा यूज करना पड़ेगा। और प्रिसीजन में थोड़ा बहुत
लाइक डिफरेंस रहेगा, 10 mm 20 mm का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, या फिर आप स्टार्टिंग से ही एमएम में काम कर सकते हो पूरा पूरा। मोस्ट ऑफ द कंपनीज एमएम में भी काम करती हैं, मीटर्स में भी काम करती हैं, फिट इंचेस में भी काम करती हैं। सो अगर आपको फिट इंचेस में प्लानिंग करना आता है या डिजाइनिंग करनी आती है, सो मेक श्योर डैट आपको एमएम में भी काम करना आना चाहिए, आगे चल के ये एक्सक्यूज ना हो कि सर हमने तो फिट इंचेस में सीखा है, एमएम में काम करना ही नहीं आता। तो बेसिक सारी चीजें वही है, एमएम में आप लोग स्टार्टिंग में प्रैक्टिस भी की हो सारी चीजें, और बेसिक जो डायमेंशन जैसे डोर का साइज है 3 फिट बाय 7 फिट, वैसे ही आपका जब एमएम पे काम करोगे तो एमएम के भी स्टैंडर्ड वैल्यूज रहते हैं, वो आप सिंपल नोट डाउन करके उसको याद करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे चीजें खुद ही याद हो जाएंगी अपने आप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे यूनिट सेट कर लिया, यूनिट सेट करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे लेयर प्रॉपर्टीज पे। लेयर प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ से हम क्रिएट न्यू लेयर, एंड लेयर हम बनाते हैं यहाँ पे बाय द नेम ऑफ वॉल। लाइन वेट हम इसका यहाँ पे 0. देखो 25 बाय डिफॉल्ट रहता है, मैंने इसको यहाँ पे डिफॉल्ट सेट करके रखा हुआ है, डिफॉल्ट लाइन वेट है, रहने दीजिए। अभी नेक्स्ट यहाँ पे LW इंटर करेंगे लाइन वेट सेटिंग्स पे, और जो डिफॉल्ट लाइन वेट है इसको 0.15 आप सेट कर सकते हैं। लाइन वेट ज्यादा होने से जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो वहां पे ड्राइंग्स में काफी ज्यादा हॉच पॉच दिखते हैं, तो स्टार्टिंग से सारी चीजें बता रहा हूँ, हर चीज को ध्यान देते हुए चलिएगा। लेयर हमने बनाई है वॉल नाम से, वॉल का जो लाइन वेट है यानी लाइन की जो थिकनेस है वो डिफॉल्ट सेट कर रखी है, और LW एंटर करके लाइन वेट जो यहाँ पे हमने डिफॉल्ट सेट कर रखा है 0.15 सेट कर रखा है, बाकी आगे जो हमें जरूरत पड़ेगी हम चेंज कर सकते हैं। तो 0.15 कर सकते हो, या 0.20 भी करना चाहो तो 0.20 कर सकते हो। तो 1.5 से आप सॉरी 0.15 से लेके 0.20 तक के बीच में आप रख सकते हो। 2.5 मैंने काफी बार नोटिस किया है कि वो लाइक काफी ज्यादा थिकनेस ज्यादा आती है A4 वगैरह शीट में, मैं ज्यादातर A5 0.15 ही प्रेफर करता हूँ अपने ड्राइंग्स के लिए। ओके ना, यहाँ से सिंपल लेते हैं वॉल लेयर। अभी हमारे पास यहाँ पे जो प्लान है, मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, REC एंटर, डी एंटर, लेंथ हम यहाँ पे देते हैं 25 फिट, और विड्थ हमारे पास यहाँ पे है 50 फिट। सो हमारे पास जो प्लॉट है ये 25 फिट बाय 50 फिट का सिंपल। अब जो प्लानिंग का यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, अगर हम यहाँ पे बात करें, सो ऑन द बैक साइड यहाँ पे कंप्लीट आप रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। ग्राउंड फ्लोर पे हमें यहाँ पे 1 BHK का कंप्लीट प्लानिंग चाहिए, और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे 2 बेडरूम हॉल वगैरह चाहिए, यानी कि हमें एक कंप्लीट डुप्लेक्स प्लान क्रिएट करना है 3 BHK का। ग्राउंड फ्लोर पे 1 बेडरूम, किचन, हॉल, पार्किंग वगैरह रहेगी, एंड फर्स्ट फ्लोर पे आपके 2 बेडरूम्स वगैरह सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। सो रेक्टेंगल हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अब जो आउटर वॉल्स रहेंगी ये आपके कितनी रहेंगी, यहाँ पे 9 इंचेस, सो 9 इंचेस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। बैक साइड में हम यहाँ पे एक बेडरूम रखना चाह रहे हैं, एक साइड यहाँ पे हमारा वॉशरूम आ जाएगा, इस साइड हम यहाँ पे OTS वगैरह करेंगे। OTS का रीजन ये रहेगा कि यहाँ पे जो भी आपके पास वॉशरूम का एयर है और जो भी आपका बेडरूम का एयर है, इस वेंटिलेशन से आप निकाल सकते हो बाहर। देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका एक साइड वॉशरूम इधर आएगा, ये वॉशरूम का वेंटिलेशन आपका इसी में मर्ज हो जाएगा, यानी कि एक सिंगल OTS और 3 पोर्शंस को ये एक तरह से कवर कर ले रहा है। देन फ्रंट में अगर हम बात करें, सो ओवर हेयर कुछ पार्किंग वगैरह का हम एरिया छोड़ेंगे, एंड पार्किंग के बाद देन यहाँ पे लॉन वगैरह का एरिया रहेगा। पार्किंग के बराबर पे आप किचन वगैरह ले सकते हो, यहाँ पे आपकी स्टेयर्स आ जाएंगी, और ये आपका कंप्लीट ड्राइंग रूम एरिया, ठीक है। अब डायमेंशंस की बात करें तो लेट से यहाँ पे जैसे मुझे बेडरूम क्रिएट करना है, तो पहले इसको एक सेंटर से हम एक्सप्लोड कर देंगे जिससे कि पार्ट्स में ब्रेक हो जाए। अब बेडरूम का जो मिनिमम साइज होता है वो 9 फिट बाय आपका 10 फिट रहेगा, यानी कि 90 स्क्वायर फिट आपका मान लो, ठीक है। और हमारे पास अगर हम स्पेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक डिसेंट स्पेस अवेलेबल है, अगर मेजर कर रहे हैं तो देखो 600 आ रहा है। तो डी एंटर करिए, मॉडिफाई पे जाइए, फिट पे जाके पहली बात तो इसका साइज बढ़ा लो, लेट्स से 2.5, एंड प्राइमरी यूनिट में आप इसको सेट कर दो इंजीनियर, ये आपका 50 हो गया, एंड ओवर हियर दिस इज 25। अब ओ एंटर से ऑफसेट मैंने कहा यहाँ पे मैं इसको 12 फिट एंड अगेन 4.5 इंच, एंड वॉशरूम को लेट से मैं यहाँ पे 5 फिट का कर रहा हूँ, और 5 फिट ना करके मैं इसको 7 फिट कर रहा हूँ लेट से, एंड 4.5 इंच। सो वी हैव गॉट अ डिसेंट साइज रूम, यहाँ पे हमारे पास 12 फिट बाय
16 फीट 1.5 इंचेस का रूम मिल जाएगा, तो एक तरह से इसको मास्टर बेडरूम की तरह आप ले सकते हो। एंड ये आपका 7 फीट है, एंड लेट्स से वॉशरूम का साइज ये आपका 6 फीट, यहाँ से हमारा 4.5 इंच। एंड ये हमारा एक तरह से वॉश एरिया आप कर सकते हो, और ODS भी आपका साथ ही साथ में हो जाए। एंड ये पोर्शन हम ट्रिम करके, और इस साइड हमने कहा यहाँ पे एक 5 फिट का अगेन एक वॉशरूम हमारा आ जाएगा, सो 4.5 इंच। एंड मैंने कहा इसी के जस्ट हम बराबर पे ही इसको ले लेते हैं। सो दिस पोर्शन ट्रिम, TR इंटर फॉर ट्रिम। यहाँ पे आपका ये अटैच वॉशरूम हो गया, दिस इज योर ओटीएस, और ये आपका कॉमन वॉशरूम हो गया। साइज की अगर हम बात करें तो अभी ये 6 फिट है, 6x7, ये आपका 5 फिट, और ये 5 फिट 7.5, और ये 5 फिट, बाकी ये लेंथ तो आपकी 7 फिट है। वॉशरूम की अगर मिनिमम साइज की बात करें तो एटलीस्ट कोशिश करिएगा, अगर आप बाथरूम बना रहे हैं, बाथरूम एंड टॉयलेट कंबाइंड, तो 4x5 फिट आपका मिनिमम होना चाहिए, एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो साइज है वो 12 फिट से ज्यादा ना जाए, जा सकता है लेकिन 12 फिट से ज्यादा करोगे तो बहुत बड़ा हो जाता है एक तरह से। ठीक है, 12 फिट आप तब करोगे जब आपको बाथ टब, कमोड, आपको शावर एरिया, सिंक एरिया, सारी चीजें चाहिए होती है। रेस्ट 6 फिट 7 फिट आपका सफिशियंट डिसेंट साइज है एक कमोड, सिंक और शावर एरिया प्लेस करने के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स से पार्किंग एरिया, पार्किंग एरिया हम यहाँ पे ले रहे हैं एटलीस्ट, लेट्स से अगर मैं 20 फिट का लेता हूँ, एंड मेक दिस वॉल एज लेट्स से 4.5 इंचेस, एंड ये साइज हम यहाँ से लेट्स से 12 फिट का लेते हैं, और लेट्स से ओनली 10 फिट आई थिंक विल बी सफिशियंट, एंड 4.5 इंच। अभी एक रफली मैंने डायमेंशन पे इसको बना रहा हूँ, बाकी चीजों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करेंगे। अब पार्किंग साइज की अगर हम बात करें, सो स्टैंडर्ड साइज इज 10 फिट बाय 20 फिट, बट अगर स्पेस कम है आपका तो मिनिमम टू मिनिमम आप इसको 8 फिट बाय 15 फिट कर सकते हैं फॉर अ कार पार्किंग, बाकी बाइक पार्किंग करना है तो इसको और आप और छोटा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर एक स्मॉल कार है तो स्मॉल कार आप 8 बाय 15 फिट में पार्क कर सकते हो, उसके हिसाब से भी हमने यहाँ पे अभी डिसेंट साइज दिया 20 फिट, एंड ये हमारा 10 फिट, 6 फिट की आपकी लगभग लगभग कार होती है। एंड विड्थ वाइज अगर हम बात करें, नॉर्मल कार जो क्लास मतलब नॉर्मल सिंपल जो कार्स होती है, वैगनार होगी, स्विफ्ट वगैरह होगी, तो ये 12 टू 14 फिट के बीच में आपकी आती है सर। फिर भी आपके पास 5 फिट एक्स्ट्रा स्पेस बचेगा जिसमें आप अलग से अपनी बाइक पार्किंग वगैरह कर सकते हो, या फिर आप इसको सिंपल एस एंटर फॉर स्ट्रेच ये पोर्शन सेलेक्ट किया, देखो यहाँ से यहाँ सेलेक्शन किया तो ये वॉल पूरी अंदर आ रही है, यानी ये पार्ट क्या होगा आपका मूव होगा, बाकी ये लाइन आपकी स्ट्रेच होगी। ठीक है, तो सेलेक्ट एंटर कहीं भी बेस पॉइंट दे दीजिए और नीचे की तरफ 2 फिट में नीचे कर लेता। ठीक है, एंड ओके ये 10 फिट 0.13 क्यों आ रहा है, डिलीट दिस, ओ एंटर फॉर ऑफसेट एंड 10 फिट एंड 4.5 इंच, DLI इंटर डायमेंशन लीनियर, यहां से अभी सही। नाउ ऊपर का जो वॉल है ये आप पूरा रिमूव कर दो। नाउ दिस इज 20 फिट, 20 फिट की जगह पे हम ये 18 फिट हमने स्ट्रेच इसको ऑलरेडी कर लिया था। नाउ अब किचन यहाँ पे हमारे पास रहेगा, तो किचन मिनिमम साइज जो हमारे पास है वो 6x8 फिट है, बड़ा आप कर सकते हो लाइक अराउंड 12 फिट बाय 14 फिट, और बेसिक एक इतना साइज रहे कि जो भी चीजें आप प्लेस करना चाह रहे हो किचन में प्लेस हो सके, सिंक, वॉश एरिया अगर कर बना रहे हो तो वॉश एरिया आपका आ जाएगा, फ्रिजेस वगैरह हो गए आपके, एंड जो भी एक्स्ट्रा अप्लायंसेस वगैरह रहता है। सो लेट्स से हम फ्रंट से यहाँ पे 5 फिट का लॉन एरिया छोड़ता है, 4.5 इंच, अब ये आउटर वॉल है तो आप इसको 9 इंचेस ले सकते हो, ये हमारा ट्रिम हो जाएगा, ये हमारा ट्रिम हो जाएगा, तो अभी हमारे पास यहाँ पे जो स्पेस आ रहा है दिस इज 13 फिट 1.5 इंचेस बाय 12 फिट 3 इंचेस, तो आप 10 फिट की जगह इसको आप कम कर बढ़ा सकते हो। स्ट्रेच मैंने कहा 2 फिट, 12x18 की पार्किंग हो गई, और इंस्टेड ऑफ 5 फिट ये हम यहाँ पे कर देते हैं, कितना है 12 फिट 3 इंचेस है, लेट्स से 1 फिट 3 इंचेस, ठीक है 11 फिट 1.5 बाय 11, तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो लॉन एरिया है वो डिसेंट साइज मिल गया, 6 फिट 3 इंचेस का, पार्किंग भी हमारे पास अच्छी खासी है। अब ये जो स्पेस है ये हमारा ड्राइंग रूम एंड डाइनिंग बोथ है,
ये 17 फिट 9 इंचेस और ये हमारा 16 फिट 1.5, एंड इस पोर्शन से हम बनाएंगे अपनी स्टेयर्स। सो ये पोर्शन आप यहाँ से ट्रिम कर लो, ये पोर्शन यहाँ से ट्रिम कर लो, ये वॉल थोड़ा सा गलत स्ट्रेच हो गया, इसको आप डिलीट कर दो एंड यहाँ से अगेन ऑफसेट कर दो 18 फिट का। जब भी स्ट्रेच करेंगे हमेशा ऑर्थो मोड ऑन रहेगा, नहीं तो ना फिर गड़बड़ हो ही जाती है। जी आर इंटर फॉर नाउ स्टेयरकेस की जो मिनिमम विड्थ होती है वो कितनी होगी आपकी 3 फिट। सो 3 फिट दिस साइड, 3 फिट दिस साइड एंड 3 फिट दिस साइड। मैं यहाँ पे एक डबल एल शेप्ड स्टेयरकेस क्रिएट करूंगा विद अ राइजर हाइट ऑफ 7 फिट एंड 7 फिट नहीं सॉरी 7 इंचेस एंड ट्रेड यहाँ पे हम लेंगे 11 इंचेस, ठीक है। सो स्टोरी हाइट जो हमारी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो 10 फिट 6 इंचेस यानी कि 126 इंचेस आपका हो जाएगा। 126 इंचेस डिवाइडेड बाय राइजर हाइट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ राइजर हमारे कितने आ जाएंगे 18। नाउ ओ इंटर से ऑफसेट सिंपल यहाँ पे 11 इंचेस, तभी राइजर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, परफेक्ट आ गया। अगर कहीं भी आपको साइज को कम ज्यादा लगता है, 10.5 इंचेस आ रहा है, तो आप एस एंटर से स्ट्रेच ये एरिया 0.5 इंचेस इसको बढ़ा दो, किचन का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर मैनेज हो जाएगा। ये पोर्शन ट्रिम ट्रिम एंड ट्रिम, बाकी जो स्टेयरकेस का प्रॉपर कैलकुलेशन है, डिजाइन कंसेप्ट है, वो कंप्लीट जब मैंने ऑटोकैड का कोर्स आपको कराया था तो उसमें सारी चीजें बताई थी, ठीक है। आप 6 इंचेस राइजर भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, स्टैंडर्ड साइजेस वगैरह सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके सो ये आपका इतना पार्ट हो गया। नाउ यू कैन ट्रिम ऑल दीज एक्स्ट्रा लाइंस जो हमारे पास यहाँ पे है, इसको आप एक्सटेंड कर लो और लेट से यहां तक आपका फुल वॉल रहेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये आपका फुल वॉल रहेगा, बाकी ये आपकी बाउंड्री वॉल रहेगी। ये पोर्शन आप ट्रिम कर दो, इसी तरह से एक एक करके ये सारा पोर्शन। ट्रिम 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 ठीक है। जितनी भी डायमेंशंस हैं सेलेक्ट करके सेलेक्ट सिमिलर एंड डिलीट बटन दबा दोगे तो ये सारा एक साथ आपका डिलीट हो जाएगा। ना अभी इसी का मुझे फर्स्ट फ्लोर प्लानिंग भी चाहिए, सो फर्स्ट फ्लोर प्लानिंग के लिए सिंपल हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस तरह से कुछ। अब फर्स्ट फ्लोर की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो बेसिकली क्या था कि हमें यहाँ पे 3 BHK का पार्ट चाहिए था, तो बैक साइड में एक बेडरूम ठीक है, वॉशरूम OTS कॉमन वॉशरूम, ये आपका हॉल एरिया हो जाएगा। जो ये किचन एरिया था, इस किचन एरिया को हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से अपना बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अभी ये 10 फिट 1.5 बाय 11 फिट 1.5 है, जो कि बेडरूम के मिनिमम साइज से ज्यादा ही है। अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हो, लाइक जैसे 10 फिट 11.5 इंचेस है तो ये दोनों सेलेक्ट कर लो इस तरह से और नीचे की तरफ 0.5 इंचेस बढ़ा दो 11 फिट, मुझे 12 फिट चाहिए तो दोनों को सेलेक्ट करके 1 फिट और एक्सटेंड। तो वॉल्स के ऊपर वॉल आएगी ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे और लोड ट्रांसफरिंग वगैरह में थोड़ा सा दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई कि वॉल के ऊपर वॉल आए, और नहीं आ रहा है पार्टीशन वॉल्स वगैरह आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे करने वाले। तो ये पोर्शन क्या हो गया आपका बेडरूम हो गया। अब बेडरूम के बाद लेट से जैसे यहाँ पे हम वॉशरूम वगैरह दे सकते हैं, पूजा रूम वगैरह दे सकते हैं। अब अगर प्रॉपर हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं ये चीज, ठीक है, तो ये हमने किचन दिया। सो अगर ये हम ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। सो साउथ ईस्ट कॉर्नर में आपका किचन है, और यहाँ पे अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पूजा रूम आ जाएगा। इस साइड पूजा रूम दे सकते हो, बीच से एंट्रेंस करके ये पूरी आपकी क्या हो जाएगी, बालकनी हो जाएगी आगे। सो ओ एंटर से ऑफसेट मैंने कहा 5 फिट और लेट्स से 7 फिट, और ऑफसेट मैंने कहा 3 फिट 4.5 इंच 4.5 इंच। अब जैसे ये आगे का पार्ट रिमूव करना है तो एफ एंटर से फिलेट, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, आगे का पार्ट रिमूव हो गया।
एफ एंड एफ ऑफ एलेट सेलेक्ट सेलेक्ट, ये आगे का पार्ट रिमूव होगा। यहां से ही हमने 3 फिट लिया, लेट अस चेंज दिस टू 2 फिट और 5 फिट, ये पोर्शन हमारा ट्रिम हो जाएगा। डन, ये आप डिलीट कर सकते हो लाइक दिस, और ऊपर की तरफ अगर आप अलग से वॉशरूम वगैरह देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। स्लैब यहाँ पे आ जाएगी, स्लैब के ऊपर वॉशरूम आपका बन जाएगा तरह से, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये इतना पार्ट हो गया आपका क्रिएटिंग दिस। सिंपल वॉल ही ले लीजिए, या अभी समझो इस चीज को, ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है और ये आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर प्लान पे जल्दी से जरा ओपनिंग हम क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक ओपनिंग दे सकते हो, और यू कैन डू वन थिंग, लाइन टूल। पहले देखो, या तो आप आर्किटेक्चर का पूरा प्लान मिल जाएगा, आप उस पर कॉलम प्लेस करना स्टार्ट कर दोगे, या फिर आप पहले वॉल लेआउट प्लान आपने बना लिया है, ओपनिंग्स वगैरह मत क्रिएट करिए डोर विंडो के, और इसी पे डायरेक्टली अपने कॉलम्स प्लेस करना स्टार्ट कर दीजिए। सो जैसे लेयर प्रॉपर्टीज पे गए, क्रिएट न्यू लेयर और बाय द नेम ऑफ कॉलम, कॉलम का जो कलर आप रखना चाहते हो कॉलम का कलर आप दे दीजिए, यहां से ले लीजिए कॉलम। और कॉलम का जो मिनिमम साइज होता है आपका, वो कितना होता है आपका, 9 इंचेस बाय 9 इंचेस। तो आरईसी एंटर फॉर रेक्टेंगल, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट डी एंटर, और 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का हमने ये रेक्टेंगल इस तरह से बना लिया। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद यहां से सीधा सीधा लेंगे हैच कमांड। हैच कमांड लेने के बाद यहां से इंस्टेड ऑफ पैटर्न हम यहां पे सॉलिड सेलेक्ट करेंगे, और यहां से कलर थोड़ा सा हम लाइट कलर लेंगे, मतलब वही रेड शेड में राइट कलर, जिससे कि जब मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊ इस तरह से क्रॉस करके, तो वो मेरे विजिबल हो डायग्राम, ये एक तरह से सेंटर मार्क करेगा आपके कॉलम। अब कॉलम की पोजीशनिंग हमें यहाँ पे देनी है, कॉलम कहाँ कहाँ पे रहेगा। तो पोजीशन डिफाइन करने के लिए मेक श्योर डैट जो भी कॉलम आप प्लेस कर रहे हैं उनका अलाइनमेंट काफी हद तक सेम आए, और अगर कॉलम का साइज अलग अलग है तो उनके जो फेसेस है वो सेम आने चाहिए। तो एक कॉलम यहाँ पे आ सकता है, एक कॉलम यहाँ पे आ सकता है, एक कॉलम यहाँ पे आ सकता है, देन यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इन दिस मैनर। तो मैंने कहा जैसे इंटरसेक्शन पे आपको प्लेस करना, तो ये सारे वॉल के आपके इंटरसेक्शन है, लेकिन इतने कॉलम प्लेस करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बेसिक क्राइटेरिया कि अगर आप मिनिमम स्पेसिंग की बात करें कॉलम की, तो वो 4 फिट से 6 फिट से, मतलब इनके कम में नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। और मैक्सिमम अगर हम बात करें, सो 20 फिट टू 22 फिट के ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की मिनिमम दूरी 4 से 6 फिट और मैक्सिमम दूरी 20 से 22 फिट। और ये कोई स्टैंडर्ड फिक्स डायमेंशन नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग के केस में एक थंब रूल डिफाइन कर दिया गया बस, ठीक है। अब 20 फिट 22 फिट से ज्यादा अगर आपका स्पैन जाता है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपका कॉलम का साइज है, जो बीम की डेप्थ वगैरह है, ये क्या होती है, बढ़ जाती है, उसमें सरिया ज्यादा लगती है। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो जैसे G+1 G+2, तो उसमें लाइक 9 बाय 14 इंच से ज्यादा कॉलम नहीं होना चाहिए, है ना। और 16 mm की अगर आप सरिया यूज करो तो उससे ज्यादा मत यूज करो। तो एक तरह से स्ट्रक्चर पूरा इकोनॉमिकल रहता है, उसी हिसाब से कॉलम का प्लेसमेंट हमें करना रहता है। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें, सो ये कॉलम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये कॉलम रख रहे हैं तो स्टेयर केस के कॉर्नर्स पे आप कॉलम रख लो, बाकी और तो कॉलम्स हमारे ठीक है वैसे काफी हद तक। ये वाला हटा के आप कॉलम एक यहाँ पे कर सकते हो, जिससे कि ये अलाइनमेंट आ जाएगा। यहाँ पे एक वॉल आप बना सकते हो, जिससे सिंक वगैरह आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे अगर आप एक वॉल क्रिएट कर दोगे तो ड्रॉइंग रूम भी आपका सेपरेट हो जाएगा, यहाँ पे टीवी यूनिट वगैरह प्लेस कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इस तरह से। सो यू कैन लाइक सिंपली सेलेक्ट दिस, सी यू एंटर फॉर कॉपी, यहां से पिक करके और यहां पर प्लेस, इसको डिलीट। देन एक कॉलम आपका यहाँ पे आ सकता है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और मैं इसको इंस्टेड ऑफ हियर मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा, फिर इसी को सी यू एंटर से कॉपी, यहां से पिक करके यहाँ पर। देखो मैं राइट क्लिक, सॉरी लेफ्ट टू राइट सेलेक्शन कर रहा हूँ, कि जो पार्ट विंडो के अंदर है सिर्फ वही सेलेक्ट हो रहा है आपका। अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूंगा तो जो भी पार्ट इससे अंदर होगा, जो भी टच होगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप लेयर पे काम कर रहे हो तो वॉल लेयर को क्या कर दो, लॉक कर दो,
जब वॉल लेयर को लॉक कर दोगे तभी इसको पूरे को सेलेक्ट करके कॉपी करोगे, तो सिर्फ कॉलम ही कॉपी होगा, वॉल से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, सो सी विंडो से कॉपी एंड यहाँ से पिक करके यहाँ पे प्लेस। सो मोस्ट ऑफ द यूजर्स देखोगे कि लेयर पे काम नहीं कर रहे होते हैं, तो लेयर पे काम नहीं करोगे तो आगे चल के कुछ ना कुछ लाइक ड्राइंग में जो स्पीड है वो आपकी कम होती है, क्योंकि फिर सिलेक्शन करने में एक एक करके सिलेक्शन करना होगा। अभी मैं आसानी से एक एक करके सबको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ना, इसी को सेलेक्ट करके सी ओ एंटर से कॉपी, यहां से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। अब ये वाला जो कॉलम का अलाइनमेंट है इस पूरे को सेलेक्ट करके एम एंटर से मूव, और इसको इस अलाइनमेंट पे मैंने मूव कर दिया। ये कॉलम लग रहा है आपको बीच में आ रहा है, सो वॉल लेयर यहां से ले लो अगेन, एंड यहां पे एक आप वॉल क्रिएट कर लो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या लग जाएगा, सिंक लग जाएगा, यहां से आपका एंट्रेंस डोर हो जाएगा, यहाँ पे आपका बाथरूम वगैरह, एक बैक साइड में जाने के लिए डोर और रूम में जाने के लिए डोर। ठीक है, यहाँ पे आप कर्टन्स वगैरह भी डाल सकते हो, और एक तरह से यहाँ पे बीम भी हमारी आ जाएगी आराम से, तो ये आसान हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, सो ये जो स्पैन है ये 7 फिट 9 इंचेस का है, और ये स्पैन आपका 16 फिट 6 इंचेस का है। तो ये स्पैन क्योंकि ज्यादा है तो आगे जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो इनका साइज बढ़ेगा, एक तरह से 9 बाय 12 इंचेस हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको 9 बाय 9 पे ही रखना चाहते हो एक तरह से डिजाइनिंग में, तो आप ये कर सकते हो कि ये वाला जो कॉलम है इसको इस सेम अलाइनमेंट में आप रख सकते हो, लेकिन चीज क्या होगी कि फिर जब आप बीम लेआउटिंग करोगे तो बीम लेआउटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। जैसे यहाँ पे आपकी ये बीम आएगी इस तरह से, अभी बीम यहाँ पे ये प्रॉपर इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो, ये आपकी बीम आ जाएगी ऐसे। तो कॉलम अगर मैं यहाँ पे करूंगा इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, तो यहां से मैं बीम नहीं कनेक्ट कर सकता क्योंकि वो बेडरूम में बीच में दिखेगी एक तरह से, बीम हमें यहीं पे करनी पड़ेगी, तो ये एक तरह से हमें सेकेंडरी बीम क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये गलत नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बीम्स को मोस्टली कॉलम टू कॉलम ही कनेक्ट करो। ठीक है, और कोई भी ऐसी बीम है जिनका स्पैन कम है उसको आप बीम टू बीम कनेक्ट कर सकते हो, या बीम टू कॉलम आप कर सकते हो, कॉलम टू बीम आप कनेक्ट कर सकते हो। अब वॉल लेयर को अगेन लॉक कर दीजिए, जो भी आपने कॉलम्स लगाए हैं इन्हीं कॉलम्स को आप क्या कर लो, सेलेक्ट करो और कॉपी कर लो कहाँ पे, अपने फर्स्ट फ्लोर प्लान। ठीक है, एंड ओवर हेयर ऑल्सो यहाँ पे भी आप एक वॉल आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो, एंड मैं यहाँ पे भी एक वॉल क्रिएट कॉलम वाली लेयर को आप ऑफ कर लीजिए, ऑफ पे गए कॉलम लेयर को सेलेक्ट करेंगे ऑफ हो जाएगा, और यहाँ से मैंने कहा लेट्स से 10 फिट 4.5 इंच एंड 10 फिट, ये पोर्शन ट्रिम, वॉल लॉक्ड है तो ट्रिम नहीं होगा। ठीक है, अभी आप कर सकते हो, ऑफ पे जाइए एंड ट्रिम। ठीक है, अभी ये स्पेस हमारे पास कितना बच रहा है, दिस इज लेस, तो 0.5 आप पहले कर लो, 2 इंचेस एंड 1 फिट मोर, 4 फिट का आने जाने का रास्ता हमारे लिए यहाँ पे सफिशियंट। तो ये स्टेयर केस एरिया हो गया, स्टेयर केस के नीचे आप डाइनिंग टेबल वगैरह भी प्लेस कर सकते हो, है ना, यहाँ पे आपका कंप्लीट ड्राइंग रूम आपका आ जाएगा, ये आपका किचन एरिया हो गया, पार्किंग एरिया हो गया, बाकी ये पूरा हॉल हम एज इट इज ओपन रख रहे हैं। अब फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें, सो पहले तो इसको एक सेंटर से एक्सप्लोर करो, लेयर प्रॉपर्टीज एक नई लेयर बाय बनेगी बाय द नेम ऑफ फ्लोर, कलर आप चाहो तो थोड़ा सा भी चेंज कर सकते हो जिससे कि आपको आइडिया लगे कि फ्लोर कितना बना रहे हो आप। सो फ्लोर ले लिया और ये आप जरा डिलीट करो। सो यहां तक तो हम वॉल रखेंगे, बाकी इसके बाद यहाँ पे आपकी स्लैब आएगी, इतने में यहाँ पे हमें स्लैब रखनी ही नहीं है, तो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा, वॉल लेयर ले सॉरी फ्लोर लेयर ही लो, और इसके बराबर से मैं अपनी फ्लोर क्रिएट कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके ट्रांसफर कर देंगे किसमें, फ्लोर में, और ये पोर्शन ट्रिम करके यहीं से आप फ्लोर एक क्रिएट कर सकते हो। हालांकि इसको आप डिलीट कर सकते हो, इसको जे एंटर से ज्वाइन, ऑफसेट 4.5 इंचेस और ऑफसेट 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच,
तो एक तरह से आपकी वही रेलिंग की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। आप रेलिंग इस साइड नहीं चाहते हो अगर, तो इसको एक्सेंटर से एक्सप्लोड करके ये आप डिलीट करो, इसको सेलेक्ट करके वॉल में ट्रांसफर करो, ये एक्स डबल एंटर से एक्स, इसको पीछे लेके वॉल लेयर एंड ये पोर्शन आपका ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको पता चले कि एक्चुअली बालकनी कहाँ पे है और रेलिंग्स वगैरह कहाँ, कैसे क्या सब लगी हुई है। अब देखो फ्लोर लिया अगेन हमने यहाँ से, इसी लाइन को सेलेक्ट करके कॉपी, एक कोई कॉमन पॉइंट लेके यहाँ पे पेस्ट, ये लाइक रिप्रेजेंट करेगा कि अपसाइड में जो स्लैब है सिर्फ इतने में पड़ी हुई है आपकी। तो यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जाके अदर पे जाइए, लोड पे जाइए, और यहाँ से हम हिडन लाइन को लोड करेंगे। हिडन सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हिडन लाइन में इसको ट्रांसफर, और यहाँ पे हमारा वॉल लेयर ले लो जरा, ये हमारे पास यहाँ पे मेन गेट की ओपनिंग हो जाएगी इसके बराबर से। ट्रिम ट्रिम फ्लोर ले लिया अगेन, और यहाँ से आप इसको इस तरह से डॉटेड में शो करें। ठीक है, कैन डिलीट दिस, और अब इसके बाद अपनी ओपनिंग्स वगैरह बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। सो लाइन टूल, यहाँ से ऑफसेट लाइक 4.5 इंच, आप थोड़ा सा एक ब्रिक वर्क का स्पेस थोड़ा छोड़ दीजिएगा, जिससे जो भी डोर वगैरह रहेगा उसका जो साइड का फ्रेम वगैरह रहेगा वो इतने में एरिया में आके आराम से सेट हो सकता है, तो डिजाइन और लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ऑफसेट 3 फिट 6 इंचेस, मेन डोर जो आपका रहेगा 3 फिट 6 इंचेस का रहेगा, और इसको ट्रिम। बाकी यहाँ पे ये किचन है, तो किचन को आप पूरा ओपन ही कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो 4.5 इंचेस का पहले गैप छोड़ के एंड देन यहाँ से अगेन 3 फिट 6 इंचेस की ओपनिंग। ठीक है, देन यहाँ पे 4 फिट की ओपनिंग है ही हमारे पास। देन अब रूम में जाने के लिए हम डोर इधर से भी दे सकते हैं, डोर हम इस साइड से भी दे सकते हैं। बेटर क्या रहेगा, बेटर ये मेरे ख्याल से रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंक आ जाएगी आपकी, यहाँ पे आपका एक डोर एक और आ जाएगा, एक डोर आपको यहाँ पे भी देना है, तो यहीं पे सारे डोर हो जाएंगे एक ही जगह पे सब। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस साइड आप अपना डोर दे सकते हो, ऑफसेट 4.5 इंच, और रूम डोर जो होगा वो आपका कितने फिट का होगा, 3 फिट का होगा। देन वॉशरूम का डोर ऑफसेट 4.5 इंचेस एंड देन 2 फिट 6 इंचेस, ये पोर्शन ट्रिम। एंड बैक साइड में जाने के लिए भी यहीं से हम डोर दे देते हैं 2.5 इंचेस, सॉरी 4.5 इंचेस एंड देन 2 फिट 6 इंच एंड इसको ट्रिम। बेडरूम के वॉशरूम में जाने के लिए मैंने कहा इधर से मैं डोर दे देता हूँ 4.5 एंड 2 फिट 6 इंचेस, ट्रिम ट्रिम। तो जितने डोर्स लगने थे ये सारे डोर्स हमने यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर लिए हैं। एंड आफ्टर डोर हम यहाँ पे विंडोज लगाते हैं। अब जैसे किचन में यहाँ पे विंडो देनी है फ्रंट में, सो ऑफसेट 2.5, सेंटर से लाइन बना के 2.5 इधर 2.5 इधर, यानी 5 फिट की विंडो हो गई आपके पास। देन इसके बाद यहाँ पे आप एक विंडो दे सकते हो ऑफसेट 2 फिट, 2 फिट इधर 2 फिट इधर, और इसको हमने ट्रिम कर दो। देन विंडो हमारी एक यहाँ पे आ जाएगी, वेंटिलेशन विंडो 2 फिट की होती है, तो 1 फिट 1 फिट एंड ट्रिम। इसी को आप सेलेक्ट करके कॉपी, यहाँ से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, और इसको ट्रिम, और एक विंडो यहाँ पे 2.5, 2.5 नहीं, हमें 4 फिट की विंडो ही रखनी पड़ेगी, ऑफसेट 2 फिट, 2 फिट इधर 2 फिट इधर, और ट्रिम कमांड से। नाउ गो टू लेयर प्रॉपर्टीज, क्रिएट न्यू लेयर बाय द नेम ऑफ विंडो, और यहाँ पे कलर आप एक डिफाइन कर लो, ओके क्लोज। यहाँ से सीधे लीजिए विंडो रेक्टेंगल टूल, और यहां से इस तरह से, वन विंडो है एंड एक विंडो आपकी इधर आ जाए। ठीक है, लाइन टूल लेके आप सीधा सीधा यहां से ये लाइन बना सकते हैं।
ये आपका वेंटिलेशन विंडो, ये आपका देन डोर के लिए मैं अपने ब्लॉक फाइल पे आता हूँ एंड ब्लॉक्स में यहाँ पे डायरेक्ट मैं अपने डोर्स को कॉपी पेस्ट, तो सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट सी एंड कंट्रोल वी से हमारा पेस्ट, और एक एक को सेलेक्ट करके आप क्या कर लो इनको ग्रुप कर, पहले ग्रुप कर लेंगे जिससे कि सिंगल एलिमेंट फॉर्मेट में सेलेक्ट, और फिर इसको जहां जहां पे प्लेस करना प्लेस कर लो, कॉपी यहां से पिक यहां पे प्लेस, सेलेक्ट पहले कॉपी कर लो आर एंटर से रोटेट, एम एंटर से मूव, यहां से पिक करके यहां, इसी को सेलेक्ट करके एम आई एंटर से मिड से या कहीं से भी मिरर कर दो, ये देखो। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए 3 फिट का डोर, सेलेक्ट कॉपी यहां से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, और इसको आप मिरर कर दो मेन डोर पे यानी 3 फिट 6 इंचेस डोर को, और यहां से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट फ्लोर पे भी यही सेम काम मुझे करना होगा, बस ये वाला जो पोर्शन था और ये वाला पोर्शन मुझे एक्स्ट्रा बनाना था, तो मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ अलग, जैसे यहां से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसी को सेलेक्ट करता हूँ यहां से करता हूँ कॉपी, ठीक है, और ये पोर्शन हमारा हो जाएगा डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये हमारा ट्रिम एंड डिलीट। अब इसको सेलेक्ट करके एम एंटर से मूव, उसी कॉमन पॉइंट से पिक करके आप इसको यहां पर, ठीक है, बाकी यहां से वॉल लेयर लेके वॉल 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 लाइन टूल एंड इसी के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे पूजा रूम के लिए एक डोर चाहिए होगा तो इसको डिलीट कर दो। नाउ हाउ टू फिल अप दिस एरिया, इसको फिल कैसे करेंगे, जे एंटर दोनों को सेलेक्ट करके एंटर, कोई भी कोलिनियर लाइंस है उसके लिए ज्वाइन कमांड का यूज किया जाता है। मिड से लाइन बना ली, ऑफसेट 2 फिट एंड 2 फिट, 4 फिट का आपका ये यहाँ पे डोर हो जाएगा, ओपनिंग कर सकते हो, ये पार्ट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। एंड रेस्ट ये विंडो जो हमने दी थी दिस वॉज 4 फिट, आप 5 फिट कर सकते हो स्ट्रेच करके 6 इंचेस इधर एंड 6 इंचेस इस साइड स्ट्रेच, इसमें भी कर लो 6 इंचेस इधर और 6 इंचेस आपका, ठीक है, डिलीट दिस। एंड ये जो डोर था हमारा इसी को मैं मिरर कर लेता हूँ, एम एंटर से मूव करके यहां से पिक करके और यहां पर, और एस एंटर से स्ट्रेच करके ये पोजिशन स्ट्रेच, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, सो डोर अगर बिल्कुल फर्नीचर का भी अगर हम ध्यान दें यहाँ पे, तो फर्नीचर कैसे प्लेस करोगे इसमें, लाइक बेड इधर आ जाएगा, यहाँ पे टीवी आ जाएगी, इस साइड आपका वार्डरोब आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब OTS एंड बाकी सबकी मार्किंग, सो यहां से फ्लोर ही ले लो आप और रेक्टेंगल टूल, और यहां से आप लाइन टाइप हिडन ले लो। अब जो कटिंग होगी मैंने कहा पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट, तब इधर से आप राइज करोगे और इधर आप चल के चले जाओगे, तो ये स्लैब इतनी कट होगी, तो ये डॉटेड करके हमें इस तरह से इस पर एक पूरा कटआउट शो करना पड़ेगा, यानी ये स्लैब ऊपर की तरफ क्या होगी कट, और इसी को सेलेक्ट करके अगेन कॉपी यहां से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, और इस केस में ये वाला पार्ट क्या रहेगा आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा यानी सॉलिड रहेगा, यानी यहाँ पे स्लैब इतनी कट है फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे स्लैब कट करोगे तभी तो यहाँ से चढ़ के ऊपर आ पाओगे ना। अब देखो स्लैब यहीं तक कट की है, तो जब आप राइज करोगे तो ऐसा तो नहीं कि सर आपका लड़ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कितने राइजर है, 1 2 3 4 5 5 और एक आपका 6 हो गया। सो अगर मैं कैलकुलेटर लेता हूं, सो 6 × 7 7 इंच का है यानी 42 इंचेस आपका हो गया, इसको हम माइनस करेंगे 126 से, 10 फीट 6 इंच हमारी स्टोरी हाइट थी,
और उसमें 5 इंचेस हमारा क्या हो गया, लाइक स्लैब की थिकनेस माइनस हो जाएगी, तो ये 121 यानी कि 79 इंचेस डिवाइडेड बाय 12, तो 6 फिट 5 इंचेस आ रहा है। तो ऑन एवरेज अगर ह्यूमन हाइट की बात करें तो 6 फिट 6 फिट 2 इंच अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है ना, तो आप इतना साइज यहाँ पे लेके चल सकते। बाकी 5 फिट 5 फिट 5 इंचेस 7 इंचेस 10 इंचेस का ह्यूमन है ना, तो आराम से यहाँ पे चढ़ सकता है ये सर, आपका यहाँ पे स्लैब पे नहीं लड़ेगा एक तरह से, ठीक है। और बाकी अगर आपको लगता है तो आप सीधा सीधा ये पूरा ही कट कर सकते हो इस तरह से, यानी ये एरिया आपका पूरा का पूरा कट हो, ठीक है। बट मैं ऐसे ही करता हूं, डिलीट दिस, यहां से ले लो वॉल लेयर। अब यहां पे एक 4.5 इंचेस हिडन की जगह इसको कंटिन्यूस है, और मिड से एक लाइन बना दो जस्ट टू शो ये आपका रेलिंग और वॉल वाला पोर्शन ऑफसेट 1 इंच। भाई यहाँ पे अगर रेलिंग नहीं लगाओगे आप तो नीचे गिर जाएगा ना आपने, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके अगेन आप वॉल में या रेलिंग में ट्रांसफर कर सकते हो। नाउ यहीं से आप स्टेयर्स लेयर बना लो एक, और वॉल वाली लेयर को आप क्या कर सकते हो, फ्लोर वाली लेयर को ऑफ कर दीजिए, इसको सेलेक्ट ट्रांसफर इट टू स्टेयर्स, इसको सेलेक्ट ट्रांसफर इट टू स्टेयर्स, और जो राइज कर रहे हो क्लॉकवाइज होगा हमेशा वास्तु के अकॉर्डिंग, कॉपी यहां से पिक और यहाँ पे टेक्स्ट लेके यहां से आप लिख सकते हो आप सारी चीजें, ठीक है। वापस अब इसी को सेलेक्ट करके अगेन कॉपी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, टेरेस प्लान। अब टेरेस प्लान में अगर हम बात करें, अच्छा फ्लोर ले रहा है अगेन रेक्टेंगल टूल, यहां भी आपका ओटीएस है ना, तो यहां से मैंने कहा 1 फिट, ओ सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला ओटीएस है ना, 1 फिट दिस साइड, 1 फिट इधर से, 1 फिट ये टेढ़ा हो गया, ऑर्थो मोड ऑन करके कर लिया, डिलीट दिस रेक्टेंगल को एंटर से ऑफसेट या फिर ऐसे कर, ऑर्थो मोड ऑन रखिएगा बस, 1 फिट इधर, यहां से पिक करके 1 फिट इधर, और यहां से पिक करके 1 फिट, लाइन टूल एंड मेक अ क्रॉस सेलेक्ट करके हिडन में ट्रांसफर, कॉपी यहां से पिक करके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ अगर जाल में जाल पड़ेगा, यहाँ पे लोहे का आयरन वर्क का जाल रहता है, तो अगर आप यहाँ पे डालना चाह रहे हो डाल सकते हो, जन आने जाने जाने की जगह रख सकते हो, एंड इसी को आप सेलेक्ट करके यहाँ से कॉन्टिन्यूस में कर दो, एंड इसी को सेलेक्ट करके अगेन कॉपी, यहाँ से पिक करके यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें ये सब जितना है कॉलम वाले लेयर को जरा ऑफ कर दो, और जितना भी ये सब एक्स्ट्रा पोर्शन वॉल्स वॉल्स है ये सब हटा दें, क्योंकि टेरेस है ना, टेरेस तो पूरी खाली दिखती है ना, इस तरह से यहां से ये पोर्शन डिलीट, इसको आप डिलीट कर दो, विंडोज वगैरह ये हटा दो, ठीक है। ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा, ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा, जे इंटरफॉर ज्वाइंट, कॉलम को वापस से ऑन करो, तो इससे आपको एक मार्किंग मिल जाएगी कि वॉल कहां तक रखनी है, यहां से यहां तक, एंड वॉल अगेन लेते हैं लाइन टूल लेके, इतना पोर्शन आपका किसका हो जाएगा, हेडरूम का, कॉलम को ऑफ, और ये वॉल्स को आप क्या कर लो, एफ एंटर और मर्ज कर, एफ एंटर और इसको मर्ज कर, ट्रिम एक्सटेंड एक तरह से, जे एंटर फॉर ज्वाइन, ये सब भी आप ज्वाइन कर लो, गैप फिल कर रहा हूं तरह से,
है, तो ये सब पैरापेट वॉल रहेगी आपकी, और इसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ और ये इसके बराबर से, ठीक है। वॉल लेके मैंने कहा डोर किस साइड रखा, मैंने कहा इसी तरफ, ऑफसेट 9 इंचेस एंड फिर 3 फिट कॉलम वाली लेयर को ऑन कर। बाकी विंडो जिधर रखनी है आप विंडो रख सकते हो बना के। मैंने कहा मिड से ऑफसेट 2.5 फिट इधर, 2.5 फिट ये पोर्शन आपका डिलीट नहीं ट्रिम होगा एंड फिर ये डिलीट हो जाएगा। विंडो लेयर ले लीजिए, रेक्टेंगल टूल ले लीजिए और यहाँ से इसको लाइन टूल एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू, तो ये हो गया आपका टेरेस प्लान। सो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड टेरेस। कॉलम को ऑफ कर दीजिए, जे इंटरफॉर ज्वाइन जहां भी आपको लग रहा है ज्वाइन करने की जरूरत है। यहां से ले लो वॉल और इस साइड हम एक विंडो रखेंगे, ऑफसेट लेट से 4 फिट का वेंटिलेशन विंडो टाइप ही रहेगा। और ये पूजा रूम, अब इसके बाद लेयर प्रॉपर्टीज क्रिएट नहीं लिया बाय द नेम ऑफ वॉल हैच क्लोज। वॉल हैच ले लिया, हैच कमांड सॉलिड हैच और ये एरिया में आप हैच करो, कलर हमारा बाय लेयर ही रहेगा। सो डू योर हैच 1 बाय 1। ये वाले वॉल्स को हैच नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी बाउंड्री वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम इस तरह से ये आप हैच कर लीजिए। दिस वन आल्सो, और इसके बाद लास्ट में ये हैच रहेगा जो हेडरूम के स्लैब तक चल, ठीक है। नाउ लेयर प्रॉपर्टीज क्रिएट न्यू लेयर बाय द नेम ऑफ टेक्स्ट क्लोज। यहां से ले लिया हमने टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट और यहां से स्टार्ट पॉइंट। हाइट हमारी 6 इंचेस रहेगी और रोटेशन हमारा 0। ए डॉट डब्ल्यू सी फिर यहां क्लिक करो, ये हो गया हमारा मास्टर बेडरूम। ये हमारा हो गया ओटीएस प्लस वॉश, ये हो गया आपका कॉमन वॉशरूम, ये हो गया आपका हॉल, ये आपका हो गया डाइनिंग क्लिक, किचन क्लिक, पार्किंग एंड लॉ। बाहर क्लिक करके एस्केप, एक टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर, कॉपी कमांड एक जगह से पिक करके दूसरी जगह पे प्लेस करो। तो ओटीएस वॉश, ये वॉश नहीं रहेगा, सिर्फ ओटीएस रहेगा। मास्टर बेडरूम हो गया या बेडरूम इसको कह सकते हो आप सीधा सीधा। फिर डाइनिंग ये डिलीट हो जाएगा, ये हॉल हो जाएगा, ये किचन की जगह पे ये क्या हो जाएगा आपका बेडरूम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बालकनी। ये आपका कंट्रोल सी कंट्रोल वी और ये आपका क्या हो जाएगा। लेयर प्रॉपर्टीज क्रिएट न्यू लेयर बाय द नेम ऑफ ओपनिंग। इसका जो लाइन टाइप रहेगा ये हम हिडन रखेंगे। यहां से क्लोज, टेक ओपनिंग लेयर, रेक्टेंगल टूल। सो यहां पे आपके पास एक ओपनिंग है, फिर रेक्टेंगल टूल, यहां पे हमारे पास एक ओपनिंग है। कॉलम लेयर को ऑन कर लीजिए, रेक्टेंगल टूल तक। फिर इसके बाद वी हैव वन ओपनिंग ओवर हियर। बाकी ये हमने 3 फीट का डोर दिया था,
इसी को सेलेक्ट करो, कॉपी, यहां से पिक, यहां पे पेस्ट, और आरओ इंटरसेंस को आप रोटेट करो। देन एट लास्ट यहां पे आप लेयर प्रॉपर्टीज क्रिएट टू लेयर बाय द नेम ऑफ डायमेंशन, और ये आपका कॉन्टिन्यूस लाइन ही रहेगा। कलर को थोड़ा सा हम ग्रे आउट कर देते हैं। डायमेंशन लेयर ले लीजिए, लीनियर डायमेंशन यहां से 25 फिट, एंड फिर इंडिविजुअली आप मेजर करो। 7 फिट स्पेस बार प्रेस करेंगे, कमांड रिपीट हो जाएगा। भाई ये 7 फिट है तो ये भी 7 फिट होगा, ये भी 7 फिट होगा, बस शो करना है वो ये शो करना है। 6 फिट, 5 फिट, 5.7 समथिंग इंचेस है, और ये 5 फिट। यहाँ से ये कितना है आपका, और स्टेयरकेस की विड्थ कितनी कितनी ली है वो आप यहाँ पे दिखा दो। फिर ये पूरे रूम का साइज कितना है, ये आपका हॉल का साइज कितना है। सो ऑलवेज ट्राई, जो भी आप डायमेंशन दो वो एक अलाइनमेंट पे रहे। अलाइनमेंट मीन्स जैसे ये अलाइनमेंट आप देख रहे हो, एक लाइन में आ रही चीज है, यहां से यहां तक आपका ये हो जाएगा पार्किंग। फिर ये आपका पार्किंग एरिया, ये आपका किचन, देन इसके बाद ये आपका पोर्शन हो गया लॉन, और ये ठीक है ना। सेलेक्ट सिमिलर, कॉपी, यहां से पिक करके और यहां पे आप पेस्ट कर, लगभग लगभग सेम ही है सब, बस जो ये एरिया इसको डिलीट करो और ये यहां से यहां पर आ जाओ। जो चीज एक बार हो चुकी उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए। और ये चीज आपको खुद से समझना पड़ेगा कि हम क्या कॉपी पेस्ट कर सकते। जे आप कर लीजिए, देन ये पूजा रूम आपका, और ये यहाँ पे शो कर, ठीक है। कौन सा वॉल कह रहे हो? नॉन, ये हटा देना, ये रिमूव हो जाएगा। बाकी फिर ये पूरा हेडरूम आपका, हेडरूम आप शो कर, ये डायमेंशन कितने हैं, एंड इसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आप कॉपी कर लो, यहां से पिक करके यहाँ पे डबल क्लिक एंड मेक दिस एज ग्राउंड फ्लोर प्लान। सेलेक्ट कंट्रोल 1, 6 इंचेस की जगह मैंने कहा इसको 1 फिट कर दो। एम एंटर से मूव, सीओ एंटर से कॉपी, यहां से पिक करके यहाँ पे पेस्ट, और ग्राउंड फ्लोर की जगह ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फ्लोर प्लान, और ये हो जाएगा आपका टेरेस प्लान, ठीक है। सेलेक्ट करके एंटर से मूव कर सकते हो, लाइक इसको साइड बाय साइड थोड़ा बहुत, इससे स्पेस आपको मिल जाएगा। ना इसको सिंपल आपको प्रिंट करना है, और कुछ चीजें जैसे ये ओवरलैपिंग्स वगैरह है ये सब सही करना। टाइम एंटर से मूव कर करके कॉमन वॉशरूम वगैरह हो गया, यहाँ पे सिंक वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। सिंक वाला जो एरिया है ये हमने नहीं शो किया, ठीक है, इसको हटा। नाउ सिंपल हमें यहाँ पे टाइटल ब्लॉक्स प्रिंट किस में करना है, A4 में या A3 में। सो मैंने कहा मुझे A4 पे करना है, तो A4 ये वाली शीट काम आ जाए। कंट्रोल सी से कॉपी, एंड यहाँ पे आके कंट्रोल बी से पेस्ट, ओके कर लीजिए। अब इसमें कुछ चीजें चेंज करेंगे, जैसे A4 ये डिलीट कर देते हैं, प्रोजेक्ट टाइटल वगैरह ये सारी चीजें हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे ये चीज आप चेंज कर दीजिए, शीट का साइज क्या है, स्केल वगैरह क्या, डायरेक्शन क्या है। अब जैसे प्रोजेक्ट नेम क्या हो जाएगा आपका, सो दिस इज अ
25 फिट बाय 50 फिट हाउस प्लान, 25 फिट बाय 50 फिट डुप्लेक्स 3 BHK हाउस डिजाइन। एम एंटर से मूव, कंट्रोल 1 से, और ये 2 इंचेस या फिर 3 इंचेस ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 2.5 इंचेस। सेलेक्ट एम एंटर से मूव। तो ये हो गया प्रोजेक्ट नेम। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन फ्लोर प्लान ड्रॉन बाय कुमार, चेक बाय प्रूफ बाय, प्रूफ बाय का सेक्शन हटाना चाहो हटा सकते हो, चेक बाय को आप थोड़ा सा और इधर ले सकते हो, एसेंटर से स्ट्रेच करके ये सारी चीजें आप बढ़ा सकते हो। एम एंटर से मूव, एम एंटर से मैच प्रॉपर्टीज, इसके जैसा इसको कर दो। आज डेट क्या है, 11/07/2024। क्लाइंट नेम एंड एड्रेस वगैरह सारी चीजें यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर्म नेम, एंड लाइक कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ईमेल आईडी आप लिख सकते हो। ठीक है, कहाँ पे ऑफिस है, अभी इसको आप सेलेक्ट करके नीचे इधर कर लो, ये सारी चीजें प्रॉपरली एक प्रॉपर अलाइनमेंट पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब जैसे प्लान आप क्लाइंट को शेयर कर रहे हो तो ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी अपलोड वगैरह करते हो, तो ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है आपके उनको आप हाईलाइट कर सकते हो, जिससे कि किसी को अगर प्लान बनवाना हो या कोई काम करवाना हो तो आप यहाँ से सीधा सीधा वो कॉन्टैक्ट आपसे कर सके। तो एक तरह से मार्केटिंग कैसे बनेगी, यहीं से तो बनेगी, सोशल मीडिया से एक तरह से धीरे धीरे, और बहुत ज्यादा रहता है। मेक श्योर डैट कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो प्रॉपरली हाईलाइटेड रहे। इसको आप सेट कर लो। अब ये जो मैं टाइटल ब्लॉक सेट कर रहा हूँ, एक बार आप सेट कर लीजिए, सेट करके इसको सेव कर लीजिए, बार बार इसको सेट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक बार फॉर्मेट अपना बना लीजिए, बना के सेव कर लो। मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, बट अगेन मुझे आप लोगों को सिखाना था, इस वजह से मैं इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ। प्रोजेक्ट नंबर, जो भी आपका प्रोजेक्ट नंबर है वो आप डाल सकते हो, ड्राइंग का नंबर क्या है, 01 है, रिवीजन हमने किया है नहीं किया है, यूनिट क्या है, फिट इंचेस है आपका। ठीक है, ड्राइंग स्केल किस में है, 1:1 की स्केल पे है। शीट अभी एक ही शीट बनाई है, 1:1, और ये हमारा एक तरह से हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ईस्ट फेसिंग है। अब इसको सेलेक्ट करके आप ग्रुप कर लीजिए, एस सी एंटर से स्केल कर लो थोड़ा सा बड़ा, एंड अभी इसको इसके अंदर सेट करने की कोशिश करो और स्केल करो, एंड कंट्रोल एरो की से एडजस्ट करके मेक श्योर डैट कि प्लान आपका इसके अंदर आ जाए। टेक्स्ट वगैरह जो भी आपने लिखा है इसको बोल्ड करना है, तो नोटेशन पे जाके टेक्स्ट स्टाइल, यहां से इसको बोल्ड, अप्लाई, सारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाए। प्रिंट करना है सो कंट्रोल पी से प्रिंट, DWG टू PDF, पेपर साइज ISO फुल ब्लीड, यहां पे A4 मिलेगा आपको 297 बाय 210। वर्ड टू प्लॉट में विंडो, कहां से कहां प्रिंट करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। सेंटर द प्लॉट, लैंडस्केप, प्लॉट ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी आपकी मैक्सिमम, अप्लाई टू लेआउट एंड प्रीव्यू। ये देख सकते हो जब प्रिंट कर रहे हैं तो यहां पे सारी चीजें प्रॉपर आ रही हैं।
अब इसमें ये यहाँ पे एक हैच हमारा छूट गया, सो जूम डायमेंशन की जगह वॉल हैच, हैच कमांड और हैच कमांड, कंट्रोल पी से प्रिंट। ठीक है, सो देख सकते हो सारी चीजें प्रॉपर आ गई। अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ओटीएस ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे डोर की लाइंस वगैरह मुझे ऊपर हल्का सा दिख रही है। सो क्या कर सकते हो, एक वॉल को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करके, राइट क्लिक करके ड्रॉ ऑर्डर एंड ब्रिंग टू फ्रंट। इससे क्या होगा, जितनी भी वॉल्स है सब ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब इसके बाद फिर कॉलम्स को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर, ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट, सारे कॉलम आपके ऊपर आ जाएंगे। तो अभी आप कंट्रोल पी करके प्रीव्यू देखोगे तो ये डोर्स वगैरह आपके बैक साइड पे दिखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि लाइन वेट ज्यादा आ रहा है थोड़ा सा, जो डिफॉल्ट लाइन वेट हमने 0. कितना सेट किया, 1.5 ही सेट किया था, आई थिंक एल डब्ल्यू एन था 0.15। ठीक है, और यहाँ पे भी सभी डिफॉल्ट ही सेट है। तो लाइन वेट अगर कम करना चाहो तो एल डब्ल्यू एन करके इसको आप और कम कर सकते हो। तो अभी अगर आप कंट्रोल पी करके प्रीव्यू देखोगे तो ये देखो, ये लाइन वेट आपका कम दिख रहा है और चीजें और ज्यादा क्लियर दिख रही है। लाइन वेट अगर आपका ज्यादा रहेगा, जैसे कि आप लोग बाय डिफॉल्ट करते हो तो वो 0.25 होता है, और कंट्रोल पी प्रिंट, तो अभी जूम करके देखोगे तो देखो बड़ा बड़ा दिख रहा है ना सब, तो लाइन इतनी क्लियर नहीं है। अब और ज्यादा अगर बढ़ा दोगे कंट्रोल पी, सॉरी एल डब्ल्यू एन का डिफॉल्ट लाइन वेट मैंने कहा 0.35 अगर कर दिया, कंट्रोल पी से प्रिंट प्रीव्यू, तो देखो ठीक है, तो हॉज पॉज और ज्यादा बढ़ने लगती है, देखो डायमेंशंस वगैरह कैसे आ रहे हैं सब। सो एल डब्ल्यू एन था एंड बेस्ट मेरे केस में यहाँ पे 0.09 पे आ रहा है, कंट्रोल पी से प्रिंट एंड विंडो फॉर प्रीव्यू। ठीक है भाई, सो ये हमारा डायमेंशन प्लान यहाँ पे रेडी हो गया है, और साथ में हमने यहाँ पे इसमें कॉलम्स की भी मार्किंग कर ली। नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसका फर्नीचर लेआउट तैयार करना होगा। फर्नीचर लेआउटिंग के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपल आप यहाँ से ऑफ पे जाके डायमेंशन को ऑफ कर देंगे, सेम प्लान को आप कॉपी कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, इसको आप अनग्रुप कर लो, और फर्नीचर फ्लोर प्लान दे दीजिए, और यहाँ पे एक एक करके आपको क्या करना होगा, आपके जो ब्लॉक्स हैं फर्नीचर्स वगैरह के वो प्लेस कर दो। देन नेक्स्ट कॉलम लेआउटिंग वगैरह है, कॉलम सेंटर लाइनिंग का प्लान। कॉलम सेंटर लाइनिंग के लिए अगेन सिंपल यहाँ पे ऑफ पे जाएंगे, वॉल हैच को ऑफ, टेक्स्ट को ऑफ, है ना, डोर्स को ऑफ कर दीजिए, ओपनिंग्स आप ऑफ कर सकते हो। ठीक, और इसी को लाइक एक पार्ट सेलेक्ट करके आप सीधा सीधा बस इसको कॉपी कर दीजिए इस तरह से। फिर अगेन हमें रेफरेंस प्लान्स वगैरह बनाने पड़ेंगे एंड प्रॉपर सेंटर लाइन का पूरा कंसेप्ट फिर और अलग से करना होता है। ठीक है, सो फर्स्ट प्लान हमारे पास ये रेडी होना चाहिए, कॉलम की मार्किंग्स हमारे पास रेडी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे एक चीज हमसे मिस हो गई, मिस ये हो गया कि ऐसे हैचेस वगैरह जो है ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, डिलीट इन द सेंस क्यों, क्योंकि ये कॉलम सिर्फ टेरेस पे आके एंड हो जा रहा है, अप टू टेरेस रहेगा सिर्फ। सो इसको आप डिलीट कर दीजिए, ये कॉलम्स रहेंगे क्योंकि ये कॉलम्स आपके हेडरूम तक जाएंगे यानी ऊपर तक, सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी। सो डायमेंशन प्लान अभी रेडी, फिर नेक्स्ट सेशन में अभी हम लोग इसी का सेंटर लाइन वगैरह सब क्रिएट करेंगे। सेंटर लाइन क्रिएट करने के बाद अभी हमने सिंपल ऑटोकैड का प्लान रेडी कर लिया, प्लान के बाद कॉलम एंड बीम मार्किंग। तो कॉलम की मार्किंग अपने कर ली है, लेकिन अभी इसका क्या करना है, सेंटर लाइन करना है, उसके बाद फिर बीम लेआउट पूरा हमें एक तरह से रेडी करना है। ठीक है,